सीएम गहलोत आज अलवर दौरे पर बानसूर में रामदेव गुर्जर की मूर्ति का अनावरण करेंगे। सीएम का यहां से नीमराणा जाने का कार्यक्रम है। नीमराणा में जापानी कंपनियों के साथ एमओयू करेंगे। 1000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव पर एमओयू होगा। डाइकिन जापानीज इंस्टीट्यूट में निवेशकों से रूबरू होंगे। जापानी औद्योगिक क्षेत्र के टोयोटा मिंडा गोसाई कंपनी में हेलीपैड बनाया। जापानी होटल कोमाची में 2 घंटे रुकेंगे सीएम। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं क्योंकि शकुंतला रावत यहाँ पर पहुंची। इससे पहले जो कलेक्टर थे उन्होंने भी निरीक्षण किया। 1-2 दिन पहले से ही कार्यक्रम को लेकर तैयारियां शुरू हो गई थी, निरीक्षण लगातार किए जा रहे थे और उसी दौरान की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विधायक और साथ ही साथ मंत्री, उद्योग मंत्री शकुंतला रावत यहाँ पर नजर आ रही हैं और वो तमाम अधिकारियों के साथ बैठक करती हुई नजर आई क्योंकि सीएम यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो ऐसे में बहुत बड़ी बात हो जाती है उस क्षेत्र के लोगों के लिए। वो सभी लोग आज सीएम को सुनने भी आएंगे क्योंकि जनसभा है, तो ऐसे में तमाम जो क्षेत्र के लोग हैं और क्योंकि उनकी बहुत सारी समस्याएं, उम्मीद वो यही कर रहे हैं कि इस बार जब सीएम आएंगे तो बहुत सारी घोषणाएं भी कर सकते हैं या कोई सौगात उनको दे सकते हैं। और हमारे साथ बानसूर अलवर से सहयोगी श्वेता मिश्रा अवस्थी जुड़ गई हैं लाइव। श्वेता, किस तरह की तैयारियां हैं, कौन कौन मौजूद है, कितनी देर में सीएम पहुंचेंगे? बेगा, देखिए कार्यक्रम का जिस तरह से पूरा तय था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत था, 11:30 बजे का तय कार्यक्रम था जब यहाँ पर आकर वो मूर्ति का अनावरण करते हैं। आपको बता दें कि इस वक्त हम बानसूर के हरसौरा गांव में मौजूद हैं और इसी ग्राम के जो सरपंच है उनके माता पिता की मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। फिलहाल ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये उनका घर है। बता दें सरपंच यहाँ के जो है वो 6 भाई हैं और सभी 6 भाई यहाँ पर रहते हैं और उनके घर के इसी प्रांगण में ही, इस तरफ जरूर दिखाना चाहूंगी, यहाँ पर मूर्ति का अनावरण करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। पूरी तैयारियां यहां पर की जा चुकी हैं, इंतजार सीएम अशोक गहलोत का हो रहा है यहां पर कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आएंगे और मूर्ति का अनावरण करेंगे। बेहद में ये ग्राम हरसौरा जहां पर ग्रामीणों की तादाद बहुत ज्यादा है और बड़ी बात यह है कि इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दूर दराज से ग्रामीण यहां पर पहुंच रहे हैं। गांव के अंदर जाकर यह कार्यक्रम रखा गया है। तो देखिए, एक तरफ तो मूर्ति का अनावरण सीएम करेंगे और दूसरी तरफ सामने ही सभा का इंतजाम किया गया है। सभा स्थल है जहां से, पर अगर हम बात करें कौन कौन वीआईपीज अभी पहुंच चुके हैं तो बता दें आपको, उद्योग मंत्री शकुंतला रावत यहां पर मौजूद हैं। इसके अलावा देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष जोगिंदर अवाना यहां पर आ चुके हैं। आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौर भी मौजूद हैं और बड़ी संख्या में ग्रामीणों के आने का सिलसिला भी लगातार जारी है। मेरा सबसे अहम ये है कि देखिए, जब इस तरह के कार्यक्रम होता है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर पहुंचते हैं तो हर कोई चाहता है, ग्रामीण चाहता है कि प्रदेश का मुखिया जब उसके क्षेत्र, उसके गाँव में आ रहा है तो वो भी वहां पर मौजूद रहे और यही कोशिश है कि ग्रामीणों की भी है। सबसे अहम बात यह कि देखिए, जहां पर ये कार्यक्रम रखा गया है गांव के बहुत अंदर जाकर है, गलियां बहुत सक्रिय है और इस वजह से काफी दूर गाड़ियों को खड़ा किया गया है। सिर्फ जो वीआईपीज है उनकी गाड़ियों को अंदर आने दिया गया और यही वजह है कि बसों में सवार होकर बड़ी तादाद में ग्रामीण आए जिसमें महिलाओं की भी संख्या बहुत ज्यादा है और वो सभी वहां पर उतरने के बाद लगातार यहां पर पैदल चल रहे हैं और पहुंच रहे हैं। सिलसिला लगातार जारी है, इनके आने का इंतजार सीएम अशोक गहलोत का जरूर किया जा रहा है और साथ ही साथ ग्रामीणों से भी बात करने में उत्साहित है वो कि जब यहाँ पर मूर्ति का अनावरण करना है, प्रदेश के मुखिया पर खुद पहुंच रहे हैं और ऐसे में वो उम्मीद ये जरूर कर रहे हैं मेघा कि शायद कुछ और अहम घोषणा उनके गांव के लिए, बानसूर के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करें। बिल्कुल श्वेता, कितने लोग, क्योंकि जनसभा को संबोधित करेंगे तो कितने लोग लगभग उम्मीद जताई जा रही है कि इस जनसभा में पहुंचने वाले हैं, किस किस तरह की समस्याएं उनकी हैं? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि पानी की समस्या यहाँ हमेशा से रही, बिजली की समस्या यहाँ हमेशा से रही, तो क्या उसको लेकर भी कोई उम्मीद इस बार मुख्यमंत्री से जताई जा रही है? मेघा, आपका सवाल मुझे कुछ साफ नहीं समझ आया क्योंकि बहुत ज्यादा शोर है, लेकिन आज समस्याओं का आप जिक्र कर रहे हैं। देखिए, अगर ग्रामीणों की आप बात करें तो गांव में जितनी भी फैसिलिटी दी जाती है, क्योंकि हम भी यहां पर आए हैं, सड़कें बहुत अच्छी हैं, मतलब ऐसा लगता नहीं कि गांव में भी जाकर ऐसी सड़कें होंगी, सड़कें अच्छी यहां पर नजर आ रही हैं। गाँव वालों को लेकर पानी के जरूर कहते हैं कि पानी की कहीं समस्या नहीं, लेकिन क्योंकि ग्रामीण गाँव, गर्मी का भी मौसम गया है, अभी भी इंतजार बारिश है, क्योंकि देखिए यहाँ के अगर टेम्परेचर की बात करें मेघा, इतनी ज्यादा गर्मी यहाँ पर है कि हर कोई पसीने से लथपथ यहाँ पर है। इंतजार ये कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आ जाए, कार्यक्रम शुरू हो जाए, क्योंकि जब भी तय वक्त से देरी से कार्यक्रम होता है या फिर देरी होती है कार्यक्रम में तो यहाँ पहुंचने वाले लोगों को जरूर दिक्कतें होती है। हालांकि ग्रामीण यहाँ पर पहुंच रहे हैं क्योंकि जब उत्साह बहुत ज्यादा हो तो ऐसे में गर्मी या परेशानी उतने मायने नहीं रखती। और इस गाँव की बात करें तो कहते हैं कि सरपंच यहाँ पर काम अच्छा कर रहे हैं और इसी वजह से
यहाँ पर नजर आता है कि विकास हुआ है, लेकिन उम्मीद फिर भी रहती है कि जब प्रदेश के मुखिया पहुंचे तो कोई ना कोई ऐसी अहम योजना या अहम ऐलान कर दें, बड़ी सौगात दे दें, ताकि ग्रामीण भी यहाँ पर खुश रहे, क्योंकि इस उम्मीद से वो यहाँ पर पहुंचते हैं। हालांकि मैं यहाँ की बात करूँ तो सुरक्षा के लिहाज से भी मेगा कड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं और इंतजार जरूर हो रहा है मुख्यमंत्री का। माना यह जा रहा है कि करीब आधे घंटे का वक्त यहाँ पर लग सकता है सीएम अशोक गहलोत के पहुंचने के लिए, लेकिन तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इससे पहले भी जायजा लिया गया था तैयारियों को लेकर, जब सीएम अशोक गहलोत का दौरा होता है तो यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी है वो भी इस चीज पर फोकस करते हैं और लगातार यही उम्मीद करते और यही कोशिश रहती है कि किस तरह की कोई दिक्कत ना हो, व्यवस्थाएं पूरी हो। लेकिन क्योंकि बहुत कंजेस्टेड ये जगह है, गाँव है जहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है, तो ऐसे में गर्मी से जरूर इस वक्त लोगों को बेहद परेशानी हो रही है। बिल्कुल परेशानी लोगों को है, लेकिन उम्मीद भी यही है कि अब क्योंकि सीएम पहुंच रहे हैं और प्रदेश का मुखिया पहुंच रहा है, ऐसे में लोगों में उत्सुकता भी होती है कि उनको सुने भी, उनको देखें भी। श्वेता, अगर आसपास सभा स्थल है, क्योंकि आप कह रही हैं कि बहुत सक्रिय जगह हैं और जहां पर ये अनावरण होना है वो अलग जगह है, सभा स्थल अलग है, तो अगर लोगों से बात कर सके तो उनसे पूछिए कि किस तरह से वो सीएम को सुनने आए हैं, क्या उम्मीद वो लगा कर आए हैं इस बार। मेघा, लोग भी मौजूद है, जैसे कि हमने आपको पहले तस्वीरें दिखाई थी, मूर्ति का अनावरण तो यहाँ पर होना है, लेकिन इसके अलावा क्योंकि ये पूरा जो घर है वो सरपंच का ही घर है, सरपंच के भाइयों का घर है, और बड़ी बात होती है, देखिए मूर्तियाँ तो बहुत लगती है, लेकिन कोई अपने माता पिता की मूर्ति लगाए और ऐसा विचार करे और उसके लिए इतना बड़ा आयोजन करे तो ये एक बड़ी बात हो जाती है। हालांकि यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम कोशिश करेंगे कि उनसे बातचीत हो सके। जी, आप यहीं पर रहती हैं इसी गाँव से? मैं थानागाजी से। यहाँ पर क्या इस कार्यक्रम में शामिल हुए? इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, मैं उपजिला प्रमुख हूँ अलवर से। अच्छा, तो आप कार्यक्रम में शामिल होने आए, इस कार्यक्रम को कैसे देते हैं? माता पिता की मूर्ति लगाना बेहद अहम चीज है और लोगों को भी बहुत प्रेरित करती है। हाँ, हमारे समाज में लगाते हैं माता पिता की मूर्ति और लगाना अनिवार्य होता है, जो अच्छे सुपुत्र होते हैं माता पिता की मूर्तियाँ लगाते हैं। अच्छा, आप इस गाँव से? हाँ जी। हरसौरा से? नहीं, हरसौरा से नहीं, मैं बानसूर तहसील से हूँ। हरसौरा से यहाँ पर कौन है? यहाँ पर हर सौर से कोई? अच्छा, तो आप क्या सरपंच के परिवार से हैं क्या? आप सब सरपंच के रिश्तेदार हैं? अच्छा, आप सब रिश्तेदार हैं, ठीक है। मेघा, यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और लगातार अब इंतजार मुख्यमंत्री का हो रहा है कि मुख्यमंत्री आएंगे, लोग उन्हें सुनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता पूरी जानकारी के लिए।